क्लास आज हम जो हमने पढ़ा था दिलवाड़े का मंदिर, जिसके विषय में हम पढ़ रहे थे कि लेखक वहां घूमने गए थे और उन्होंने वहां क्या-क्या देखा, किस प्रकार से रास्ता सुंदर था। उसके बाद वो लोगों ने एक झील के किनारे गए थे, एक ताल के पास जिसका नाम था नक्की ताल। तो उसका सौंदर्य देखा कि किस प्रकार से वहां का वातावरण था, कितना सुंदर था वो झील जो था और बहुत बड़ा था वो। उसके बाद वो लोग जो माउंट आबू में फेमस है, आबू में फेमस था दो मंदिर, जो जैन मंदिर थे उसको देखने के लिए जाने का विचार बनाया था। उनका नाम था नेमिनाथ जी का मंदिर और दूसरा था आदिनाथ जी का मंदिर। तो जो नेमिनाथ जी का मंदिर था बहुत ही सामान्य सा दिखाई दे रहा था, वो एक चबूतरे पर बना हुआ था और बहुत सिंपल दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही अंदर जाकर उन्होंने देखा तो सोने की चमचमाती हुई मूर्ति रखी हुई थी नेमिनाथ जी की। उसके बाद उन्होंने दूसरा मंदिर, जो दूसरे मंदिर की ओर गया आदिनाथ जी के मंदिर की तरफ, तो वो पूरा संगमरमर से बना हुआ था, बहुत ही सुंदर था। और उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई थी, देवी देवताओं की मूर्ति, पक्षियों की, पेड़ की, और एक मूर्ति के समान कोई भी दूसरी मूर्ति नहीं थी। सब बिल्कुल अलग-अलग थे। उनके जो आभूषण भी बनाए गए थे वो भी बिल्कुल अलग-अलग थे, कोई भी एक समान नहीं थे। तो उसके बाद जो लेखक के जो भाई है, मैंने ध्यान से देखा नितिन ठीक कह रहा है। तो लेखक कहने लगते हैं कि सच में नितिन सही कह रहा था। जो उनके साथ गया हुआ था, जो उनका भाई था, वो उनसे कहता है कि इन मूर्तियों को देखिए। तो उन्होंने कहा कि सच में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो मूर्तियां हैं ये बिल्कुल एक जैसी नहीं है, सब अलग-अलग है। तो मैंने नितिन से कहा, सोचो तो नितिन, आज से 800 वर्ष पूर्व न तो पक्की सड़कें थी, न मोटर, न रेलें और न बड़े बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीनें। तो उन्होंने नितिन से यही कहा कि आज से 800 साल पहले, इतने समय पहले की बात चल रही है ये, जब मंदिर बना उस समय तो कोई भी सामान उठाने के लिए कोई ऐसा रेलगाड़ी या कोई ऐसा गाड़ी का साधन था भी नहीं, फिर भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर किस प्रकार से उन्होंने पत्थर को लाया होगा, तब किस तरह इतना संगमरमर इस देश के दूसरे भागों से इतनी ऊंचाई तक लाया गया होगा। तो इस बारे में ही वो लोग चर्चा करने लगते हैं कि तब तो कोई सुविधा भी नहीं थी, फिर भी इतना सारा संगमरमर देश के कौन कौन से कोने से इतनी ऊंची पहाड़ी पर लाया गया था। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा, ये 1700 मीटर ऊंचाई पर थी, ये समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। तो इतनी ऊंचाई तक लाने के लिए उस समय कोई साधन भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतनी ऊंचाई तक लाया और इतना सुंदर सा मंदिर भी बनाया। तो मनुष्य लगन और परिश्रम से सब कुछ कर सकता है, काम करने वाले के मार्ग में विघ्न बाधाएं तो आती है। तो यही कहते हैं कि जो काम करना चाहता है, जो अपने काम तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, उसके रास्ते में बहुत सारी विघ्न और बाधाएं, बहुत सारी रुकावट आती है। लेकिन अगर वो सच्चे दिल से उस कार्य को करना चाहता है तो उसको करके ही रहता है, अपने परिश्रम के बल से उसको करके ही रहता है। पर परिश्रमी व्यक्ति इससे कभी हार नहीं मानता, और वो कभी हार नहीं मानते हैं, अपना प्रयास करते ही रहते हैं, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उस मंदिर को बनाने के लिए कहाँ कहाँ से संगमरमर लाया गया होगा और किस प्रकार से इतनी ऊंचाई इस पर्वत पे चढ़ाया गया होगा, पहाड़ पे चढ़ाया गया होगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो करना चाहते हैं उसके लिए कोई भी बाधा जो होती है वो बड़ी नहीं होती है, अगर मन में दृढ़ विश्वास हो। तो इस पाठ में हमने यही पढ़ा।